दोस्तों नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए कक्षा पाँचवीं और आठवीं वाले स्टूडेंट्स के जिनके भी पूरक आई थी उन सभी की री एग्ज़ाम होना थी, और अभी जो आज एक बार और फिर से संशोधित रिजल्ट जो जारी किया गया है, यदि इसमें वापस स्टूडेंट्स फेल हुए हैं तो उनकी जो परीक्षा है और जिनके पूरक आई थी उन विद्यार्थियों की जो परीक्षा है उसकी डेट आ चुकी है, तो उनकी पुनः परीक्षा मतलब एक बार फिर से उनकी जो परीक्षा है उसका आयोजन किया जाना है। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं पूरी जानकारी, ठीक है। देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ पर पुनः परीक्षा वार्षिक मूल्यांकन कक्षा पाँच व आठ सत्र 2022-23 महत्वपूर्ण निर्देश एवं समय सारणी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा मैं पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाए। विषय अंतर्गत लेख है कि प्रदेश की समस्त शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं एवं मदरसों में अध्ययनरत कक्षा पाँच व आठ के छात्रों की वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 के परिणाम की घोषणा उपरांत परीक्षा में एक अथवा दो विषय में अनुत्तीर्ण मतलब फेल विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का अनिवार्य पुनर्मूल्यांकन, अंकों की पुनर्गणना पुनर्पुष्टि का कार्य किया गया, और संशोधित मतलब कि उसमें जो चेंजेस हुआ है उसको संशोधित बोला जाता है, ठीक है। संशोधित परीक्षा परिणाम 5 जून को घोषित किया जा चुका है, मतलब कि 5 जून को घोषित किया गया, ठीक। वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम अहरकारी अंक प्राप्त नहीं करने वाले एवं अनुपस्थित परीक्षार्थियों को मतलब जो उपस्थित नहीं थे एबसेंट थे उनको, ठीक है। विशेष कक्षाओं के माध्यम से अतिरिक्त शिक्षण प्रदाय कर पुनः परीक्षा का अवसर प्रदान किया जाना है, मतलब कि एक बार और जो स्टूडेंट्स कह सकते हैं फेल हो गए हैं या उनके पूरा का ही है उनको एक बार और अवसर दिया जा रहा है, ठीक। याद रखना पाँचवीं और आठवीं मध्य प्रदेश के सब स्टूडेंट्स कक्षा पाँच व आठ पुनः परीक्षा, ठीक, दिनांक 22 से 28 जून 2023 की अवधि में संलग्न समय सारणी अनुसार आयोजित की जाना है। अब मतलब कि आपका कौन सा पेपर कब रहेगा वो सारा कुछ आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। और आपके जो प्रवेश पत्र हैं ये प्रवेश पत्र भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके प्रवेश पत्र हैं वो कब से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो आपके प्रवेश पत्र हैं वो आपके 15 जून 2023 को परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र निकालने की सुविधा रहेगी। समस्त BRC ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके ब्लॉक के सभी परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र समय से मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अब मैं टाइम टेबल बता रहा हूँ, ये तो उनकी जो आज सूचना आई है राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब मैं आपको टाइम टेबल बताता हूँ कि कौन सा पेपर कब रहेगा पाँचवीं और आठवीं दोनों का। तो आप देख सकते हैं आपका जो टाइम टेबल है वो इस प्रकार है, कक्षा पाँचवीं का 22/6 को आपका प्रथम भाषा का पेपर है हिंदी अंग्रेजी उर्दू मराठी जिसकी भी फर्स्ट लैंग्वेज है। दूसरा आपका जो अंग्रेजी का पेपर है 23/6 को, ठीक है ना, और ये भी आपको याद रखना है सामान्य अंग्रेजी, अंग्रेजी माध्यम को छोड़कर और बाकी सामान्य हिंदी है जिनकी प्रथम भाषा अंग्रेजी है, ठीक। और इसके अलावा 24/6 को गणित अथवा संगीत ये दृष्टिबाधित हेतु, इसके अलावा 26 को आपका पर्यावरण अध्ययन है पाँचवीं वालों का, और इसके अलावा 27 को सामान्य उर्दू सामान्य हिंदी अतिरिक्त भाषा जो है वो रहेगी। इसी के साथ आपको याद रखना है कक्षा आठवीं इसमें प्रथम भाषा हिंदी विशिष्ट, ठीक, अंग्रेजी उर्दू मराठी ये 22 को, ठीक, डेट वही है, ठीक है ना, तो याद रखना आप अच्छे से। इसी प्रकार से 23 को सामान्य अंग्रेजी है अंग्रेजी माध्यम को छोड़कर अथवा सामान्य हिंदी है जिनकी प्रथम भाषा अंग्रेजी है, ठीक है ना। और इसके अलावा गणित का पेपर रहेगा आपका 24 को, ठीक, आठवीं वालों का। विज्ञान का पेपर रहेगा 26 को, ठीक है ना, याद रखेंगे आप सभी स्टूडेंट अच्छे से। और 27 को तृतीय भाषा इसमें संस्कृत आती है, ठीक है, सामान्य हिंदी आती है सामान्य उर्दू सामान्य मराठी पंजाबी उड़िया ये रहेगी। और 28 तारीख को सामाजिक विज्ञान रहेगी आठवीं वालों का। तो ये टाइम टेबल है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी आप आसानी से ले सकते हैं या फिर मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर आप क्लिक करके भी इस टाइम टेबल को
देख सकते हैं। वैसे आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी देख सकते हैं और इस वीडियो को वापस रिवर्स करके भी आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।